ऑल वेलकम यू ऑल टू माय चैनल सांच। मेरे चैनल सांच पे आप सबको एक बहुत बड़ा सा वेलकम। कैसे हो आप सब? आज मैं बहुत दिनों बाद एक रिव्यू वीडियो लेके आई हूँ। एक कुछ मैंने प्रोडक्ट्स खरीदा था, उनको यूज़ भी किया था, एंड देन मुझे लगा आप लोग के साथ पे डेफिनेटली वो प्रोडक्ट्स का रिव्यू मुझे शेयर करना चाहिए। तो आज मैं एक रिव्यू वीडियो लेके आई हूँ। एक ऐसा प्रोडक्ट है, मतलब कई फेमस है यूट्यूब में और कई जन ने इसको यूज़ भी किया है, और वो प्रोडक्ट है द फेस शॉप का। जैसे कि आप लोग जो लोग मेरे व्लॉग्स भी देखते हो, मेरे वीडियोस रेगुलरली चेकआउट करते हो, उनको पता है कि मैं आजकल बहुत द फेस शॉप का प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ। द राइस जो प्रोडक्ट है फेस शॉप का, वो मैंने यूज़ किया, रिव्यू भी किया, मुझे काफ़ी अच्छा सूट हुआ। तो मैंने उनका द वाइट सीड रेंज जो है, दिस इज़ द प्रोडक्ट वाइट सीड जो है द फेस शॉप का, मैंने ये यूज़ किया। आज मैं उसका रिव्यू आप लोगों के साथ में मैं शेयर करूँगी। वाइट सीड का जो रेंज है उनका, उनमें सेरम है, लोशन है, देन टोनर है, और इनका डेफिनेटली बड़ा वाला पैक तो आता ही है, पर मैंने इनका छोटा वाला जो पैक है, जो इनका किट है, छोटा सा किट है, मैंने उसको ट्राई किया, क्योंकि ट्रायल बेसिस पे ऑल टाइम इट्स बेटर टू यूज़ द स्मॉल वन ना, क्योंकि वैसे भी द फेस शॉप का जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी एक्सपेंसिव रेंज में है। तो मैंने इनका किट जो है द वाइट सीट का, वो मैंने यूज़ किया, और आज मैं इसी को लेके मैं अपना रिव्यू शेयर करूँगी। सो दिस इज़ अ प्रोडक्ट फॉर टूडे, द फेस शॉप का द वाइट सीट का टोटल रेंज। सो ऐसा कुछ, और ये यहाँ पे ना थोड़ा सा दाग लग गया, वो मेरा बेटी स्केच पेन से थोड़ा सा दाग लगा दिया टिया ने। अच्छा, तो यहाँ ये ना ऐसे कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आता है, ऐसा टाइप का एक ग्रे कलर में आता है। इसके अंदर में थ्री प्रोडक्ट्स है, एक है आपका टोनर, एक है लोशन, और एक है सिरम। मैं जल्दी से इसको ओपन करके आप लोग को दिखाती हूँ कि कैसा क्या प्रोडक्ट है। तो ऐसे कुछ छोटे छोटे बॉटल्स में आते हैं, ऐसे बॉटल्स में छोटे छोटे बॉटल में आते हैं ये तीनों चीज़ें। ये है वाइट सीड का टोनर, ये है वाइट सीड का लोशन, एंड ये है वाइट सीड का सीरम, ऑब्वियसली फेस सीरम। अच्छा, तो आज मैं इन्हीं तीनों का मैं रिव्यू करूंगी। तो इनका जो फर्स्ट स्टेप है, और पहले मैं इनका क्वांटिटी के बारे में बता दूं। क्वांटिटी इनका सीरम और लोशन जो है वो है 32 ml एच, एक एक बॉटल 32 ml का बॉटल है, और जो सीरम है वो है 10 ml, 10 ml का सीरम है। ऑब्वियसली सीरम थोड़ा सा ही लगता है, तो सीरम तो थोड़ा सा ही होगा ना, तो 10 ml का सीरम है। तो फर्स्ट जो है वो है टोनर, सो दिस इज द टोनर, और ये सारे है ना प्लास्टिक बॉटल में आती है, एंड बहुत ही हार्ड प्लास्टिक का है, तो स्क्रू कैप है, बहुत ही टाइट ट्रेवल फ्रेंडली है, स्क्रू कैप है। आप इसको ओपन करते ही यहाँ पे होल्स वगैरह बना हुआ रहता है। अब मैं आपको प्रोडक्ट दिखाती हूँ कि कैसा है। ये देखिए, ऐसे रनी है, ये देखिए एकदम रनी, व्हाइटिश टेक्सचर में है, और इजीली ये ग्लाइडन हो जाता है। बट जैसा कि आप सबको पता है, पर मैं अपना सारी वीडियो में बताती हूँ, टोनर हमेशा ऐसे पैक्ड करना चाहिए, कभी भी ऐसे ग्लाइड नहीं करना है, इसको हमेशा ऐसे पैक्ड करना चाहिए। बड़े हल्के हाथ से यू शुड टैप द टोनर ऑन योर फेस। मैं अपना हैंड पे करके दिखा रही हूँ, ये देखिए, और ये एकदम फटाक से एब्जॉर्ब भी हो जाती है। ओके, और इसका स्मेल है ना, एक फ्लावरी टाइप का स्मेल है, फ्लावर की बहुत सुंदर सी एक लिली टाइप का, लोटस टाइप का एक स्मेल है। तो ये हो गया टोनर, और एकदम
चली जाती है, कोई चिपचिपाहट भी नहीं होती है। देन नेक्स्ट कम्स द सीरम। इसके बाद जो आता है वो सीरम है। ओके, अब सीरम का क्या हुआ, इसका मैंने पूरा खत्म कर दिया, थोड़ा सा बचा था वो मेरा बेटी है ना टिया, वो एक दिन उसे लेके पूरा निकाल के यू नो शी थ्रोज इट आउट, एकदम खत्म कर दिया, थोड़ा सा भी नहीं बचा है। मैं आपको सॉरी, मैं आपको टेस्ट करके नहीं दिखा सकती। ऐसे पंप बोतल में आता है सीरम जो आता है, वैसे पंप बोतल में आता है, और हाँ थोड़ा सा है, ये रहा ऐसे, एकदम मैंने इसको ख़त्म ही कर दिया है। टेक्सचर कुछ ऐसा है, पम्प बोतल के वजह से बहुत अच्छा से इजीली आपका फेस पे भी ये ड्रॉप आ जाते हैं, पूरा ऐसा है, ये देखिए एकदम सॉफ्ट है, बहुत ही सॉफ्ट है और बहुत अच्छा लगा सीरम। और ये वाइट सीड का जो सीरम है बहुत फेमस है, द फेस शॉप है, कई जनों ने इसको ख़रीदा है, कई जन को ये बहुत सूट किया है, तो ये भी बहुत अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब हो जाती है। नाउ कम्स द लोशन, और सारे प्रोडक्ट्स कैसे हैं मैं बाद में आपके साथ शेयर में करूँगी, पहले आप प्रोडक्ट देख लो। लोशन भी ऐसा ही है, ये देखो यहाँ पे होल, बड़ा सारा होल बनाया हुआ है, ये रहा, ये ऐसा है। लोशन भी एकदम पतला सा है एंड इजीली ग्लाइड ऑन हो जाता है, तीनों प्रोडक्ट ही बहुत अच्छे से ग्लाइड होता है, बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही लाइट वेट है, कोई थिकनेस नहीं है, एकदम इजीली ये एब्जॉर्ब हो जाती है एंड इट्स डन। स्मेल तीनों का ही सेम है, कोई चेंज नहीं है लोशन का भी सीरम का भी। पहले आप देखो, हाँ एकदम एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अच्छा, आप मैं तीनों प्रोडक्ट के बारे में एक साथ में बात करती हूँ। तीनों का स्मेल सेम टू सेम है, कोई चेंज नहीं है, या तीनों का स्मेल एकदम सेम है। अब जो लोशन है वो काफ़ी सारा, जो टोनर है वो काफ़ी सारा पतला है, रनी है, लोशन थोड़ा सा जैसे लोशन को होना चाहिए वैसा है, सीरम इज ऑल्सो जैसे होना चाहिए सीरम वैसा ही है। अब बात करती हूँ कौन से टाइप के स्किन के पीपल इसको यूज़ कर सकते हैं। दिस थिंग इज मेड फॉर, मुझे एज ए सुपर ड्राई स्किन पर्सन और ए ड्राई स्किन पर्सन, मेरा स्किन बहुत ही ड्राई है, तो मैं सजेस्ट करूँगी ड्राई स्किन वाले इसको ओनली समर में यूज़ करिए, विंटर में प्लीज़ डू नॉट यूज़ इट। ये बहुत आपको, आपके स्किन को जो मॉइस्चर चाहिए होता है ये प्रोवाइड नहीं करेगा, डेफिनेटली नहीं करेगा। ओके, तो ड्राई स्किन वालों के लिए विंटर में नो, इट्स नो, आप प्लीज़ मत खरीदिए उसको। हाँ, समर में आप इसको यूज़ कर सकते। अब जो ऑयली स्किन वाले हैं एंड द कॉम्बिनेशन स्किन वाले जो पीपल है, दे कैन यूज इट फॉर द होल ईयर, बट विंटर में मैं सबको बोलूँगी प्लीज़ डोंट गो फॉर दिस रेंज, क्योंकि विंटर में ये थोड़ा सा ना आपको ड्राई फील होगा, ऑयली स्किन वालों को भी थोड़ा सा ये ड्राई फील होगा। ये समर के लिए बेस्ट प्रोडक्ट है, समर में आप इसको यूज़ करो और अच्छा रहता है, विंटर के लिए आई थिंक ये किसी के लिए भी नहीं बना है। आप बात करते हैं सेंसिटिव स्किन वालों के लिए, प्लीज़ आप डू नॉट यूज़ इट, ये मैं स्ट्रिक्टली मना कर रही हूँ, आप लोग ये यूज़ मत करो। सेंसिटिव स्किन के लिए मुझे लगता है थोड़ा सा जलन, थोड़ा सा इचीनेस ये फील कर सकता है, क्योंकि मेरे को भी कई कई जगह पे मेरा स्किन हल्का सा सेंसिटिव है, तो वहाँ पे मेरे को थोड़ा सा यू नो इचिंग, थोड़ा सा जलन हो रहा था, तो प्लीज़ सेंसिटिव वाले आप इसको यूज़ मत करना। ओके, समर में भी नहीं, विंटर में तो बिल्कुल भी नहीं। ओके, आप बात करते हैं कि इसका ब्राइटनिंग के बारे में, ये जो क्लेम करता है ब्राइटनिंग ये प्रोडक्ट है, हाँ ये थोड़ा बहुत ब्राइटन करता है स्किन को, ये नहीं कि एकदम लगाया और एकदम ट्यूबलाइट जैसे चमक गए, वैसा नहीं, थोड़ा बहुत ही हल्का फुल्का आपके चेहरे से डलनेस हटाएगा। हाँ, ग्लो ज़रूर प्रोवाइड करती है, बहुत अच्छा सा आपको ग्लो प्रोवाइड करेगा ये, आपके स्किन पे आप रेगुलरली इसको यूज़ करोगे तो ये ग्लो अच्छा से प्रोवाइड करेगा। तो ऑल ओवर रिव्यू में दे गुड प्रोडक्ट, नाइस प्रोडक्ट, बट नॉट ए वेरी बेस्ट प्रोडक्ट, जैसे सब कई सारे यूट्यूबर बोलते हैं दिस इज़ अ बहुत अच्छा है, नॉट लाइक दैट, ठीक ठाक है, ओके गुड प्रोडक्ट, नॉट बैड, नॉट टू गुड,
ओके टाइप प्रोडक्ट, तो आप इसको समर में ज़रूर से यूज़ कर सकते हो। अब बात करते हैं इसके सीरम, इसके जो प्राइस है, प्राइस के बारे में। प्राइस जो है मुझे ये 600 समथिंग पड़ा था, 600 में। यहाँ पे स्क्रीन पे शो कर दूंगी। और इसके साथ मेरे को एक राइस, द फेसशॉप का जो राइस फेस वॉश है वो भी फ्री में आया था, तो सारा मिला के मुझे 600 समथिंग पड़ा था। तो आई थिंक इट्स वेरी गुड प्राइस टू टेस्ट दिस प्रोडक्ट ना, इतना, क्योंकि फेसशॉप का प्रोडक्ट काफ़ी एक्सपेंसिव है, तो आप इतना सा प्राइस में ये पूरा किट आप यूज़ करके ट्राई ऑन कर सकते हो ना, आपकी स्किन पे ये एडजस्ट करेगा कि नहीं। सो आपको अगर ये प्रोडक्ट खरीदना है तो मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे इसका जो बाइंग लिंक है मैं प्रोवाइड कर दूंगी, इनका जो वेबसाइट है द फेस शॉप, वहाँ से। अदर देन दैट यू कैन बाई इट फ्रॉम द अमेजन, नायका, पर्पल, हर जगह पे ये अवेलेबल है। सो आज का यही बस था। फाइनली मैं यही बोलूँगी, ड्राई स्किन वाले आप उसको समर में यूज़ करो, बाकी वाले भी समर में करो, विंटर के लिए ये बनी नहीं है। ओके, अदर देन दैट ओके प्रोडक्ट, बट सेंसिटिव स्किन वाले प्लीज डू नॉट गो फॉर दिस। देयर आर अदर थिंग्स ऑल्सो, द राइस वन ऑल्सो, राइस इज वेरी गुड, यू कैन गो फॉर दैट। मैं तो रेगुलर बेसिस पे करती हूँ। ओके, तो बस आज का यही था। आपको अगर, जो लोग मेरे चैनल पे आज ये फर्स्ट टाइम ये वीडियो मेरा देख रहे हो, प्लीज़ टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, और इसके पास में जो घंटी है प्लीज़ उसको प्रेस ऑन करो। और आज का ये वीडियो में किसी को भी, मेरे ये वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़। लौटती हूँ आप लोग के साथ कुछ नया वीडियो लेके। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।